प्राचीन पिरामिडों की भूमि तपते रेगिस्तानों और खराब वाईफाई वाली जगह में साहिबा एक साधारण 18 साल की लड़की थी जो मिस्र में पली बड़ी थी। वह गलियों, मसाला बाजारों और हर एक गपशप को किसी और से बेहतर जानती थी। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब हो रहा था। आसमान में अंधेरा छा रहा था, अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज रही थी और ऊंट भी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। और हाँ, उसकी पसंदीदा फलाफल की दुकान अचानक बंद हो गई थी। साहिबा को जल्दी ही समझ आ गया कि मिस्र सिर्फ एक बुरा दिन नहीं बिता रहा था, बल्कि वो एक श्राप के चपेट में था। अपने घर को बचाने के लिए साहिबा ने अपने टिकटॉक स्क्रॉलिंग को छोड़ा और एक प्राचीन स्क्रॉल उठा लिया। अब उसके पास था सिर्फ उसका तेज दिमाग, एक संदिग्ध जादुई ताबीज और एक बेजान बिल्ली जिसे उसने गलती से एक कब्र से जागृत कर दिया था। उसके साथ साहिबा ने एक खतरनाक सफर शुरू किया। राक्षस, मम्मी और वो डरावनी आकृति जो अंधेरों में छिपी रहती थी, ये सब उसकी यात्रा का हिस्सा थे। अद्भुत तबाही से बचते हुए और अपने सार्कास्टिक बेजान साथी की टिप्पणियों को सहते हुए साहिबा ने ऐसे खतरों का सामना किया जिनकी तुलना किसी इंस्टाग्राम पोस्ट से नहीं की जा सकती थी। लेकिन आखिरकार मिस्र को कोई तो बचाएगा, है ना? और अगर साहिबा का कहना हो तो वो एक श्रापित कब्र के बाद दूसरी कब्र का श्राप मिटाकर मिस्र में रोशनी वापस लेकर आएगी। क्या आप भी ऐसा एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाना चाहते हो? क्या आप सोच रहे हो कि हम तो ऐसी एनिमेशन वीडियो बना लेते हैं लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते, ये तो बताइए हमको। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप ये एनिमेशन स्टोरी वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से बनाएंगे। जी हाँ, अपने मोबाइल फ़ोन से बनाएंगे और अपने आप बनाएंगे, कोई दूसरा आपकी ये एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाने नहीं आएगा, ना मैं आऊँगी आपके पास। मैं सिर्फ आपको यहाँ से बैठकर कैमरे के सामने सिखा सकती हूँ कि कैसे ये एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनानी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये एनिमेशन स्टोरी वीडियो बना लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे मैंने किया और स्टोरी जनरेट की, प्रॉम्प्ट जनरेट किया, वीडियो जनरेट की और ये स्टोरी मैंने बना दी है। इतनी आसानी से मैंने भी नहीं बनाई है ये स्टोरी बनाने से पहले मैं सीखती हूँ कि कैसे एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाते हैं, कैसे स्टोरी जनरेट करते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं और कैसे इन टेक्स्ट से हम वीडियो जनरेट करते हैं, कैसे हम AI वॉइस का यूज़ करेंगे, कैसे हम वीडियो की एडिटिंग करेंगे, सभी कुछ मैं YouTube से ही सीखती हूँ और आपको भी सिखाती हूँ कि कैसे ये एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनानी है। सो अगर आप भी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे तो आप भी ऐसी एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाने के काबिल हो जाएंगे। आप भी बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन से ऐसा एनिमेशन स्टोरी वीडियो बना सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही AI से रिलेटेड एनिमेशन वीडियो बनाना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कैसे ये एनिमेशन स्टोरी वीडियो बनाएंगे हम अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में। सो चलिए चलती है मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र पर यह टाइप करना है ChatGPT कंसिस्टेंट करैक्टर। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे आपके सामने ये वेबसाइट्स आ जाएगी ChatGPT की। सो आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और इसे साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्टोरी जनरेट करा लेनी है। यहाँ पर मैंने टाइप किया 200 वर्ड्स वॉइस ओवर स्क्रिप्ट और यहाँ पर अपनी स्टोरी का जो टाइटल है वो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है। सो आपको एक स्टोरी जनरेट करा लेनी है। यहाँ पर मैं 200 वर्ड्स की स्टोरी क्रिएट करा रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी स्टोरी क्रिएट हो चुकी है। अब मुझे चाहिए इस स्टोरी के लिए प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी ये स्टोरी है और हमारे पास जो है स्टोरी की लाइंस जो हैं लिखी हुई आ चुकी हैं, जो कि वॉइस ओवर रहेगी, जो हमारी वीडियो की मेन स्क्रिप्ट रहेगी।
सो यहाँ पर मैंने जैसे ये सर्च किया अपनी स्टोरी के लिए, सो यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट मेरे पास लिखी हुई आ चुकी है। ये लाइंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया ऑल्सो जनरेट प्रॉम्प्ट्स फॉर क्रिएटिंग इमेजेस इन विच द मेन करेक्टर साइबा मस्ट बी कंसिस्टेंस इन ऑल स्टोरी सीन्स। सो यहाँ पर मैंने टाइप किया और यहाँ पर आप देख सकते हो साइबा का जो मेन करेक्टर का नेम मेरी साइबा है। सो यहाँ पर मैंने टाइप किया साइबा और यहाँ पर हमें 4 प्रॉम्प्ट जनरेट होकर मिले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट हैं, और लेकिन हम चाहते हैं अब अलग से एक यूनिक करेक्टर जनरेट करना। सो यहाँ पर मैंने इमेज पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ये इमेज अपलोड कर दी है, और इस इमेज के नीचे मैंने टाइप किया साइबा कंप्लीट फीचर्स लाइक दिस, यानी जो साइबा लड़की है जो इस स्टोरी में करेक्टर का नेम है उसका जो कंप्लीट लुक है वो ऐसा होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने टाइप किया आई वॉन्ट टू मैंसन साइबर्स फीचर्स इन ऑल टू जनरेट वीडियो प्रॉम्प्ट्स इन 3D एनिमेशन। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर ये टाइप किया और चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखकर दे दिए हैं, और जो भी हमारा करेक्टर जनरेट होगा जैसी इमेज हमने यहाँ पर चैट जीपीटी को दी है सेम वैसी ही इमेज और वीडियोस क्लिप हमारे पास जनरेट होकर आएंगी, यानी यहाँ पर सभी जो प्रॉम्प्ट है वो उसी लुक में जनरेट होंगे, यानी आपका जो करेक्टर रहेगा वो सेम ड्रेस में रहेगा। यहाँ पर करेक्टर की एज और ये स्किन कलर ये चेंज नहीं होएगा। सो यहाँ पर मैंने ये प्रॉम्प्ट जनरेट करा लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो 15 यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट जनरेट होकर मिले हैं। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रॉम्प्ट जनरेट करा लेने हैं, और देन आपको यहाँ पर जो आपकी स्क्रिप्ट है जो आपकी स्टोरी है आपको उसे कर लेना है कॉपी। सो यहाँ पर अगर आप चाहते हो अपनी स्टोरी को हिंदी लैंग्वेज में क्रिएट करना, सो आपको यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। स्टोरी को कॉपी करने के बाद न्यू चैट हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर हम राइट दिस स्टोरी इन हिंदी यहाँ पर लिखेंगे, देन आपको स्टोरी को पेस्ट कर देना है, और आपकी जो ये स्टोरी है वो हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्टोरी हमारी हिंदी लैंग्वेज में आ चुकी है। अब हम इस हिंदी स्टोरी की वॉइस ओवर कराएंगे, क्योंकि हम हिंदी में ये स्टोरी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये हिंदी वाली जो हमारी स्क्रिप्ट है इसे हम कर लेंगे कॉपी। सो यहाँ पर मैं फुल स्टोरी को कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक, देन यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आपको आ जाना है इस वाली वेबसाइट पर Resemble AI। सो यहाँ पर इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आपको इसे साइनअप कर लेना है। साइनअप करने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरी को पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर सिंपली आपको स्टोरी को पेस्ट करना है, और ये जो बीच बीच में आपको थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है इसे हम कर देंगे कट। सो यहाँ पर हम इस तरीके से रिमूव कर लेंगे गैप को, यहाँ पर हम कट का आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से ये जो गैप आ रहा है स्टोरी में इसे हम कट कर देंगे। देन आपको यहाँ पर ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर मैं सभी कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, अच्छे से देख लेंगे कि आपकी स्टोरी यहाँ पर जो है पूरी अच्छे से यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से स्टोरी को इस तरीके से गैप जो है बिल्कुल हटा देना है अपनी स्टोरी में से, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आपकी जो स्टोरी रहेगी उसकी वॉइस ओवर जनरेट होकर आ जाएगी। सो यहाँ पर आपको प्ले करके सुनकर देख लेना है आपकी वॉइस ओवर कैसी है। सो यहाँ पर हमारी जो वॉइस ओवर है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, और यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में ये वॉइस ओवर जनरेट करा सकते हो। देन यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, और आपको अपनी ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर Resemble AI वेबसाइट से आप अपनी AI वॉइस जनरेट करा सकते हो, ये फ्री है अभी के टाइम में फ़िलहाल,
और AI वॉइस भी अच्छी खासी यहाँ पर जनरेट होकर आती है, बिल्कुल ह्यूमन लाइक। तो यहाँ पर मैंने इस AI वेबसाइट से वॉइस ओवर करा ली है। इसके बाद आपको आ जाना है विदु AI वेबसाइट्स पर, और यहाँ पर आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। जब आपके क्रेडिट्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आती है। एक साइनअप पर आपको 88 क्रेडिट मिलते हैं, जिनसे आप 10 से 12 वीडियो जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ पर मेरे क्रेडिट जो है ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसको फ्री में कैसे यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और आप इस अकाउंट को कर देंगे लॉग आउट। सो यहाँ पर लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से साइन अप करने का ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ से आपको आ जाना है बैक लॉग आउट करके, देन आपको यहाँ पर गूगल ब्राउजर पर टाइप करना है टेम्प मेल। सो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं टेम्प मेल। जैसे ही हम टेम्प मेल यहाँ पर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट्स आपको शो हो जाएगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक टेम्प्रेरी ईमेल मिल जाएगा। अगर आप इस टेम्प्रेरी ईमेल का यूज़ कर चुके हैं, जैसे ये वाला टेम्प्रेरी ईमेल है, इसका मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको यहाँ से इसे डिलीट कर देना है और आपको यहाँ पर दूसरी टेम्प्रेरी ईमेल मिल जाएगी। सो अब आपको इस टेम्प्रेरी ईमेल का यूज़ करना है। जब आप एक टेम्प्रेरी ईमेल का यूज़ कर ले, उसे डिलीट कर दे और अगेन से टेम्प्रेरी ईमेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो आपको उस टेम्प्रेरी ईमेल को कॉपी करना है और आपको ध्यान रखना है गूगल ब्राउज़र पर टेम्प्रेरी ईमेल को ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र पर आपको यहाँ पर विदु AI वेबसाइट को सर्च करना है। सो यहाँ पर हम विदु AI वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ट्राई विदु पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको साइन इन विद ईमेल का ऑप्शन आ जाएगा नज़र। देन आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस पर यहाँ पर ईमेल को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 6 डिजिट का कोड आएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपको 6 डिजिट का टेम्प्रेरी ईमेल पर एक कोड मिलेगा। सो आपको यहाँ पर प्रेस करना है, बैक आ जाना है थोड़ा सा आपको, और आपको इस तरीके से बैक करना है। देन यहाँ पर आपको टेम्प्रेरी ईमेल पर आना है गूगल ब्राउज़र में, और यहाँ पर आपको टेम्प्रेरी ईमेल में थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर 1 मिनट भी लग सकता है। देन यहाँ पर विदु वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो कोड है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, आपको इसे यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं विदु AI वेबसाइट का जो कोड है यहाँ पर मैं एंटर कर देती हूँ। देन आपको यहाँ पर बस एंटर करके छोड़ देना है और आप यहाँ पर देखोगे आपका नेक्स्ट यहाँ पर अकाउंट जनरेट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है दूसरा अकाउंट जनरेट होकर आ चुका है। अब हम इसका फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सो जब भी आपको क्रेडिट ख़त्म होने की प्रॉब्लम हो तो आप यही प्रोसेस फॉलो करेंगे और टेम्प्रेरी ईमेल से आप इसे अगेन से साइन अप कर लेंगे। सो यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू वीडियो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एंटर करना है 3D डिज्नी पिक्सर स्टाइल और प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। देन आपको क्रेड पर क्लिक करना है और आपकी वीडियो यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। देन डाउनलोड पर क्लिक करना है और वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हम क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैक आ जाएंगे ChatGPT पर। इसका एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। सो यहाँ पर आपके जो सभी प्रोजेक्ट रहेंगे यहाँ पर आपके सेव रहते हैं। सो यहाँ पर हमने एक प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया था, तो यहाँ पर मैं सेकंड प्रॉम्प्ट भी कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे कॉपी कर लूँगी। देन यहाँ पर हम विदु AI वेबसाइट पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है 3D डिज्नी पिक्सर स्टाइल और उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है।
सो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और आपकी यहाँ पर सेकंड वीडियो भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको एक दो सेकंड का वेट करना है और आप यहाँ पर देखोगे आपकी जो सेकंड वीडियो है वो जनरेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्ले करके वीडियो जनरेट हो चुकी है। सो आपको इसी तरीके से सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कॉपी करना है प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से और 3D डिज्नी पिक्सर स्टाइल लिखकर प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो यहां पर जनरेट हो जाएगी। देन आपको डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। सो यहाँ पर मैं 1x1 करके सभी वीडियोस क्लिप जनरेट करा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने पहले इमेज जनरेट नहीं कराई है, टेक्स्ट टू वीडियो पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करा सकते हो। सो यहाँ पर मैंने सभी वीडियोस क्लिप जनरेट करा ली है, आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं प्ले करके देख लेती हूँ, देन डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर मैं वीडियो को भी डाउनलोड कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं 1x1 करके सेम प्रोसेस फॉलो करूँगी और आपके सामने ही मैं यहाँ पर सभी वीडियोस क्लिप जनरेट कर चुकी हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा देती हूँ आपको, सभी वीडियोस क्लिप विदू AI वेबसाइट से मैंने जनरेट किए हैं, किसी और वेबसाइट से मैंने ये वीडियो जनरेट नहीं की है। और आपके जब क्रेडिट ख़त्म हो जाए तो आप टेम्परेरी ईमेल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर सेकंड अगेन से आपको साइन अप कर लेना है और आपको अगेन से क्रेडिट मिल जाएंगे। सो यहाँ पर इस तरीके से आपको वीडियो जनरेट करा लेनी है। यहाँ पर मैंने सभी वीडियोस क्लिप्स जनरेट कर ली है, अब करेंगे हम वीडियो की एडिटिंग। एडिटिंग के लिए मैं इनशॉट एप्लीकेशन का यूज़ करूँगी, आप चाहे तो किसी और एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो। न्यू प्रोजेक्ट पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सभी वीडियोस क्लिप सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं सभी वीडियोस क्लिप सिलेक्ट कर लेती हूँ जितनी भी मैंने विदू AI वेबसाइट से जनरेट की है। इसके बाद हम यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ऑडियो ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको माई म्यूज़िक पर आ जाना है और यहाँ से आपको वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। यूज़ पर क्लिक करेंगे और आपकी ऑडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। देन सही पर टिक कर देंगे और वीडियो को आपको प्ले करके देखना है और ऑडियो के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको वीडियो की एडिटिंग करना नहीं आती है तो आप YouTube पर मालूम कर सकते हो कि कैसे वीडियो की एडिटिंग करते हैं, सीख सकते हो और उसके बाद आप वीडियो को एडिट कर ले। एक बार वीडियो 5-6 मिनट की होती है, आप देख ले, अच्छे से सीख ले, समझ ले और वीडियो को एडिट करना अच्छे से सीख जाएं। सो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से एडजस्ट करके दिखा देती हूँ, ऑडियो के हिसाब से आपको क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना है।
दिन ये जो विदु एआई का वाटरमार्क आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आपको अपने चैनल का नेम लिख देना है, या तो आपको सब्सक्राइब बटन ऐड कर देना है, या आपको इसे ब्लर कर देना है, या आपको इसे जूम कर देना है। सो आप यहाँ से, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहे कुछ भी कर सकते हो, बस आपको ये वाटरमार्क नहीं शो कराना है। सो यहाँ पर मैं जैसे ये परप्यू टाइप कर देती हूँ, तो आप अपने चैनल का नेम भी लिख सकते हो, इससे आपका चैनल का प्रमोशन होएगा, यानी आपका चैनल का नेम जो है ब्रांड बनेगा। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने चैनल का नेम नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने परव्यू लिख दिया है। देन वीडियो के एंड तक हम यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे, सही पर टिक कर देंगे, और ये जो वाटरमार्क है इसकी प्रॉब्लम हमारी जो है ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर वॉइस इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ से आपको इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मैं वेदर पर क्लिक करूँगी, और वेदर में कई सारे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, यहाँ पर वाइंड के साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, थंडर के और रैन के साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। सो यहाँ से आप साउंड इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर सकती हो, अपनी वीडियोस में। सो यहाँ पर मैं ये साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ, और यहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी साउंड इफ़ेक्ट्स, और जैसा जैसा साउंड इफ़ेक्ट्स मैं चाहती हूँ वैसा वैसा साउंड इफ़ेक्ट्स यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। इसके बाद आपको यहाँ पर वॉकिंग का साउंड इफ़ेक्ट चाहिए, तो आप यहाँ पर वॉकिंग का साउंड इफ़ेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको वीडियो में इफ़ेक्ट्स का यूज़ कर लेना है। वेदर पर आएंगे और यहाँ पर हम वेदर का साउंड इफ़ेक्ट्स सिलेक्ट कर लेंगे, देन सही पर टिक कर देंगे, और इंसर्ट के वाटरमार्क को हमें रिमूव करना है। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और फिर रिमूव पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट का वाटरमार्क रिमूव कर देंगे, और अब आप ये वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। अब आपकी ये वीडियो रेडी है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जाइए अभी जाकर स्टोरी वीडियो क्रिएट कीजिए। जैसा जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया है सेम आपको वैसा ही करना है, और जो जो मैंने अपनी स्टोरी जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी पर लिखा है ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। वेबसाइट्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए विजिट कीजिए और एनिमेशन स्टोरी वीडियो क्रिएट कीजिए और अपने चैनल को ग्रो कीजिए।